हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम करते हैं पेड़ पौधों संबंधी बातचीत। तो दोस्तों, ये अपनी नर्सरी है प्रेमपाल नर्सरी। तो इसमें हम आज को दिखाएंगे आपको सीजनल पौधे और कुछ और पौधे। दोस्तों देखिए, ये एरिया है रामपुर रोड हाईवे, इससे गाड़ियां बहुत तेज चल रही हैं और गौ माता आ रही हैं, और इससे हमें डर है कि आज हमारा नुकसान ना कर दे, क्योंकि हमने डिवाइडर पे गॉड इतनी गाड़ी निकल रही। ये कुछ गेंदे के पौधे लगा दिए हैं और ये गौ माता को बहुत पसंद होते हैं, तो अगर गौ माता को गुस्सा आ गई तो ये खा भी सकती हैं दोस्तों। तो छोड़ते हैं, अभी बताते हैं। चलो, गाय माता रोड पार कर लिया है दोस्तों। अपने पास सारा ही सीजनल में है। ये हजारा वाला गेंदा है, देख सकते हो आप, अच्छा साइज खिला हुआ है इसका। उसके बाद ये जाफरी है, गेंदा भी बोलते हैं इसे, गेंदी बोलते हैं। ये भी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, ये है पिटोनिया, इसमें भी आपको बहुत सारे कलर अपने पास हैं। अभी वाइट है, पर्पल, पिंक, सारे ही कलर हैं इसमें लगभग। स्टार वाली वैरायटी भी होगी जो कुछ पौधे। तो दोस्तों, पिटोनिया की आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये एक रेड वाली वैरायटी है जाफरी की, ये भी मिल जाएगी। ये डेंटस आ गया, डेंटस लॉन्ग टाइम तक रहने वाला सीजनल प्लांट है, ये आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद आ रही है गुलदावरी, और गुलदावरी इस समय बस बर्ड्स पे ही है, कुछ पौधों में बर्ड्स शायद होगी, बर्ड्स बनने पे है, अभी बनी नहीं है, बनने की थोड़ी थोड़ी। दोस्तों, गुलदावरी मिल जाएगी। ये सरोचिया है, सरोचिया के भी पौधे मिल जाएंगे अपने पास। ये आ गया बिनका सदाबहार। दोस्तों, बिनका सदाबहार बहुत सारे कलर हैं, बहुत प्यारे हैं, इसे घर में लगाओ, बहुत समय तक रहता है दोस्तों, और अच्छे दामों में अपने पास मिल जाएगा। ये आ गई मैक्सिकन पिटोनिया दोस्तों। ये मैक्सिकन पिटोनिया, अब इसका नवंबर का टाइम चल गया है, अब ये मतलब कुछ जो खिलेगी तभी खिलेगी, उसके बाद ये 2 महीने नहीं खिलेगी, उसके बाद खिलना शुरू हो जाएगी फरवरी के बाद से ये खिलना शुरू हो जाएगी दोस्तों। ये अपना बहुत खूबसूरत बोर्ड है, नंबर लिखे हैं, नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, और हमारा YouTube पे भी नाम हमने डाल रखा है, जो वो बोर्ड पे भी डाल दिया है, पता भी देख लीजिए। रामपुर रोड जौहरपुर सीबीगंज बरेली दोस्तों, ये अपना रामपुर रोड है। ये देखो, लोटस डायग्नोस्टिक सेंटर भी है यहाँ पे, अगर किसी को अपने पेट का अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना हो तो यहाँ आ सकते हो। और ये दोस्तों आगे होंडा का शोरूम दिखाई दूँगा आज। इधर होंडा का शोरूम है, ये वाइट दीवार दिख रही है, दीवार नहीं है, ये झंडा दिख रहा है लहरते हुआ, ये है। और ये मानसी पब्लिक स्कूल है, देखो ऐसी धूल उड़ती है भाई साहब, मज़ा आता है कतई डस्ट। कितना प्यारा लग रहा है गेंदा, ये देखिए। हाँ दोस्तों, ये देखो मिर्च है हाइब्रिड वाली, ये मिर्च का पौधा बहुत ही लाजवाब है, अचार वाली मिर्च है। इसे आपने गार्डन में लगाओ, गमले में लगाओ, और इतनी मिर्ची आएंगी कि अचार बना लोगे आप, ये समझ लो कि पौधे से। ये अपना बैगन है सफ़ेद वाला, ये सफ़ेद वाला बैगन है, इसमें गोल बैगन आएगा मीडियम साइज का, तो आप बैगन के पौधे भी लगा सकते हो। टमाटर देखो, टमाटर तो लगे हुए हैं, उधर भी लगे हुए हैं 2-4, वाह भाई वाह। आपको टमाटर ही मिल जाएंगे खाने के लिए दोस्तों, गमले ख़त्म हो चुके हैं, गमले भी मिल जाएंगे। ये गोल्डन बोतल ब्रूस है, ठीक है दोस्तों। अब हम आप अंदर को एक वैरायटी और दिखा देते हैं आपको दोस्तों। सारा सर कर से गुलामी नखरो, उस गुंटे पे तू राज कर से। देखो दोस्तों, अभी हमारे पास पुणे वाली गुलाड़ आई थी, तो हमने इसको तुरंत ही, जैसे ही हमारे पास आया, हमने इस मटेरियल को तुरंत ही दूसरे कट्टे में शिफ्ट कर दिया। देखो, ये रेड मिट्टी छोटी थैली में आई थी, हमने बड़ी थैली में लगा दी। इससे क्या होगा कि पौधा आपका मरेगा नहीं, जो मरना होगा यहाँ सुहा हो जाएगा, आपके पास आपके घर जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसमें देखो कलर, देखो ये है, ये भी कलर है, खा रहे हैं खाने, तो उनका तो कर्तव्य भी ये खाएंगे डबल में, मतलब इस टाइप का, ये जैसा ये है कली, ये कली इस टाइप की खिलेगी, ये कली भी इसी टाइप की खिलेगी। और दोस्तों, ये कलर है,
आज मैं आपको सारे कलर दिखा रहा हूँ, फोटो के फोटो में तो दिक्कत हो जाती है, फोटो में मज़ा नहीं आता। क्या लाजवाब है, आहा ये देखो ऑरेंज शेड, ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही कम रेट में मिल जाएंगे। बाकी ये कलर अगर आप लोगों के कलर का ना तो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। तो गुलाल के कुछ पौधे आए हैं दोस्तों, तो आपको गुलाल मिल जाएगी अपने पास। अभी आ गया हाइब्रिड वाला गुलाब, जो कलकत्ता की ग्राफ्टिंग होकर तैयार होता है वो गुलाब मिल जाएगा। ये देखो सबसे पहले ही आपको येल्लो दिख रही होगी ये कली, और येल्लो ऑन डिमांड हमेशा, इससे कोई ना कोई कस्टमर आता है कि येल्लो चाहिए। तो भाई साहब येल्लो अभी आ गया है, येल्लो मिल जाएगा। उसके बाद येल्लो की पता नहीं, येल्लो ख़त्म होने के बाद फिर आओगे तो फिर तो ना करना हमारा मजबूरी बन जाता है। दोस्तों देख लीजिए गुलाब आ हुआ, 8 के बैग में लगा, छोटे बैग में नहीं है। जो कहते हैं 50-50 रुपये मिले, तो 50-50 रुपये में तब मिलेगा जब काली थैली में होगा दादा। ये बड़े कट्टे में लगा, 8 में लगा है, मिट्टी ज़्यादा, किराया ज़्यादा, तो आप समझ सकते हो ना महंगा होना लाजमी है। तो दोस्तों आप गुलाब में बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये गुलाब का एक बेड लगा हुआ है, एक बेड ये लगा हुआ है, इसमें पिंक और भी कलर, रेड वुड सब खिल रहे हैं। आप तो बढ़िया हो गया गुलाब, मस्त घर में लगाओ एकदम सुपर हिट हो जाएगा। और सब कली पे बर्ड्स पे, मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसमें एक बर्ड्स आए हैं, बर्ड्स येलो बर्ड्स, ये येलो रेड, सारा आइटम मिल जाएगा। ये देखो दो दो चार चार बर्ड्स आ रही हैं। वो पौधे लोगे ना छोटे 50-50 रुपए वाले, तो उसमें 50-50 रुपए की तरह ही उसमें बर्ड्स होंगे, ठीक है। एक खिल गया तो एक के बाद फिर वो पता नहीं कब खिलेगा आपका। इसलिए ये देखो आप कितने पुराने पौधे हो, देखो देख रहे हैं आप, तो इतनी मोटी डंडी हो गई है इसके नीचे से, देखो सब, ये देखो आप है पुराना गुलाब। ये पुराना गुलाब की खासियत होती है कि मोटी डंडी का होगा, एकदम बढ़िया होगा। ये देखो है दोस्तों, सारा गुलाब आपको मिल जाएगा। वो गुलाब बहुत खूबसूरत खिला हुआ है, हाइब्रिड वाली गुलाब बड़े में भी है हमारे पास। देखो ये सब बड़ा साइज रखा, करीब 3 फीट की होगी, 3 फीट की, 3 से 4 फीट तक की है, कुछ कुछ 4 फीट का, पर 3 फीट तो आप मान के चलो गुलाब 3 फीट की अपने पास मिल जाएगी। अगर कुछ लोगों को बड़े हेड में चाहिए होती है ना, बड़े गमले में भर के चाहिए, तो वहाँ आप लगा सकते हो। दोस्तों ये चीड़ के पौधे हैं, चीड़ के पौधे भी आप लगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया है, बॉन्साई के रूप में हमने रोक रखे हैं। दोस्तों ये आता है गंधराज, सुगंध के मामले में बहुत ही बढ़िया पौधा है, इतनी सुगंध आती है इसके फूल में, उसका फूल भी उगता बहुत टाइम तक। इसका दोस्तों देखो कलियाँ भी हैं, बस सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने आपको 3 वैरायटियाँ दिखाई हैं, गुलाब, गुलहड़ और ये गंधराज, ये केयरिंग प्लांट है, इनकी देखभाल आपको करना पड़ेगा। अगर आप देखभाल नहीं करोगे तो आप फ्लावरिंग नहीं दे पाओगे, सबसे बड़ी चीज़ यही है। गुलाब में अगर आपने देखभाल नहीं करी, सकल्स निकलने लगी, सकल्स बड़ी हो गई, तो वो पौधे को खा जाएंगे और आप पाओगे कि भाई फूल नहीं आ रहे हैं, तो ये समस्या आपके आ जाएगी। ऐसा ही गंधराज का सीन होता है, गंधराज में क्या होता है, इसमें रेड मिट्टी है, तो रेड मिट्टी है उसमें वाटर का आपको सीन रखना है, प्लस खाद पानी देते रहना है, तो बहुत ही बढ़िया पौधा देगा आपको फूल। ये देखिए आप कितनी बेहतरीन कलियाँ हैं इसकी, ये कलियों से भरा हुआ है पौधा पूरा। मैंने एक बार तो पूरी क्लिप भी दिखाई थी उसमें कि मतलब मेरे फूल खिले हुए थे एक पौधे में 5-7। कुछ लोग ले आते हैं कहते हैं फूल नहीं आ रहे हैं, भाई फूल तभी आएंगे जब आप केयर करोगे, छोटे गमले में लगा दोगे तो काम नहीं होगा, बड़े गमले में लगाओ, न्यूट्रिशन फूल दो पौधे को बहुत। दोस्तों आप लोगों को अपनी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें हमारा मनोबल बढ़े और हम चाहें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, लगातार कोशिश करें, क्योंकि इस समय हम कुछ शेयर करें ताकि लोग वो अच्छी लगे और वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो कोशिश करो कि फटाफट अपना चैनल सब्सक्राइब हो, अच्छे सब्सक्राइबर हो, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ उस हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे हैं, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब के साथ साथ अच्छा भी लगेगा ना जब वीडियो बनेंगी और सब्सक्राइबर भी होंगे, तो कृपया मेरी वीडियो को शेयर भी करते रहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत।